कहीं जागरण होगा फिर भागवत पागल है यार आधा मेंटल है भागवत बस बन गया इतना तो ब्लॉग बहुत है आज देखिए हमने टीका भी लगाया पूरे पुजारी हो रहे हम ये दिल्ली का ट्रैफिक है गलियों में भी इतना ट्रैफिक होता है कि पूछो मत पीछे ही उतार दिए अरुण ने क्योंकि पुलिस वाले थे आगे ना नहीं तो फिर इतने सारे लदड़े पड़े थे दिल्ली का टीका देखो दिल्ली का गलिया हमने वहीं से लिया था भागवत में से ही अच्छा लग रहा है ना वो फैल गया मम्मी मैंने कल एंड नहीं करा तो आज कर देती हूँ पहले तो अच्छी लगी हो तो लाइक करना दिल्ली बाय बाय कर दे तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय ये वाला थोड़ा कम लगा है ना ये देखो राधे राधे दिल्ली के राधे राधे लगा रहा हूँ तो सही लग रहा अभी एक बजे और भीड़ देखो एक भी नहीं बजा अभी ये 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 थोड़ा कम लगा है ना सही है ये यहाँ पे ब्लैक ब्लैक है क्या यहाँ पे ब्लैक ब्लैक है क्या नहीं अभी एक बजने में 3 मिनट है और देखो भीड़ देखो हमसे भी पहले आया था चाहे कितना ही पहले आओ 2:30 बजे शुरू होगी वही तो 2:30 बजे शुरू होगी अभी 1.5 घंटा है शुरू होने ये देखिए वहाँ बैठते आज थोड़ी आगे बैठ गए कल वहाँ बैठे तो वो डीजे है ना वो वाला डीजे अरे कहाँ ये वाला वहाँ बैठे थे कल Ah!
तो मिट्टी में मिल जाएगा। तो
मेरी बात मानिएगा, भगवान से जो हे नाथ मैं आपको कही, हे नाथ मैं आपको कही भूलू नहीं। बहुत स्रोत ऐसे हैं जो पहले जब हम कथा सुनाने उत्तर नगर आया करते थे तो आप लोग सुना करते थे। आप में से कितने लोग वो लोग हैं जो पहले कथा सुना करते थे जब हम पहले कथा सुनाने आते थे? कम लोग हैं, पर जब हम आया करते थे तब हम कहा करते थे ना कि आप लोगों के द्वारा जो सहयोग मिलता है उससे सेवा करूंगा करूंगा। हमने कहा था, जो कहा था वो यहाँ से किया, आप आकर के देख सकते हैं जो कहा था। वही करता है जो कहता है, और सेवाएं और परोपकार की भावना कितनी बड़ी है जरा सुनिएगा। एक बार भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन जा रहे थे, अर्जुन रथ पर थे, तब एक भिखारी आया, भैया अर्जुन तुम तो बड़े आदमी हो, तुम्हारे भैया तो राजा है, हम गरीब हैं, कुछ दे दो। अर्जुन को दया भाई, सोने से भरी टोकरी, सोने से भरा थैला छोटा सा दे दिया, जिसमें सोने के सिक्के भरे थे, ये लो मार चलो। अब भिखारी गया, वाह आप सोचा क्या उसने, देखिए थिंकिंग क्या होनी चाहिए, थॉट क्या होनी चाहिए, सुनिएगा। उस भिखारी ने सोचा इतना धन मिल गया अब तो मैं राजा हो जाऊंगा, मेरी भी रानी होगी, मेरे भी हाथी घोड़ा बंगला होगा, मेरे भी दासियां दास होंगे, वो ये सोचने लगा। तभी पीछे से चोर आए, सोने से भरी थैली छुड़ाई, दो थप्पड़ मारा, भागे चोर भागे। अब ये भिखारी फिर आया, हे अर्जुन अर्जुन हमारा धन चोर ले गए जंगल में, क्या करें? अर्जुन ने कहा ये लो मणि, एक सुंदर सी मणि उठाई अर्जुन ने, उसके हाथों में दी, बोले मणि रखना बड़ी कीमती है, सोने से भी ज्यादा कीमती, जितना पहले दिया उससे डबल। अब ये मणि पाकर बोला इसे मैच कर इतना धन पाऊंगा कि मैं बहुत बड़ा आदमी हो जाऊंगा, अपने लिए राजा, मैं राजा बनकर अपने लिए ये वो घर मकान सब कुछ उसने सपने देखे। प्यास लगी तो सरोवर में पानी पीने गए, पानी पीने चुका तो उसके पास से वो मणि खिसक कर सरोवर में गिर गई। बहुत ढूंढा कुछ ना हाथ लगा, उस सरोवर में मछली ने उस मणि को खाने की चीज समझ कर निकल दिया। अब ये भिखारी फिर आया, हे अर्जुन कुछ दे दो। अर्जुन ने कहा अब नहीं दे सकता, तेरे भाग्य में गरीबी, मैंने दो बार तुझे दिया, दोनों बार तुझे गवा दिया, इसका मतलब तेरे भाग्य में क्या है, गरीबी है, भोगनी पड़ेगी। भगवान कृष्ण मुस्कुराए, अर्जुन इसके भाग में गरीबी नहीं है, तो प्रभु मैंने धन दिया इसका धन टिका क्यों नहीं, इसके पास सही बार ऐसा होता है ना, धन बहुत आता है रुकता नहीं ठहरता नहीं, तो अर्जुन ने कहा रुका क्यों नहीं इसके पास धन, तो भगवान ने कहा सुनो, भिखारी से कहा भगवान ने अब उसे कुछ पैसे दे दिए, कुछ पैसे जरा सुन, भिखारी जरा से पैसे लेकर चला लेना ग्राम, इस पैसे से तो रोटी भी नहीं आएगी। तभी मछुआरा सरोवर से मछली पकड़ कर जा रहा था, एक ही मछली उसके जाल में फंसी थी, बड़ी छटपटा रही थी। ओ भाई अब निकल जा, इतना हिला रहा है, पैसे कुछ मिले हैं मुझे, तू ले ले इस मछली को छोड़ दे। भिखारी के कमंडल में मछुआरे ने मछली दे दी और मछुआरा चला गया। संयोग से उस मछली के गले में मणि फंसी थी, जब भिखारी के कमंडल में आई मछली तो उसके कमंडल में वो मणि वापस आ गई। अब भिखारी चिल्लाया मिल गई मिल गई, चोर छिपे थे उनको लगा हमारी सूचना से मिल गई, अभी बताएगा राजा को जन्म मिलेगा। चोरों ने लाकर उसका धन सोने से भरी चैनी दे दी, उसका सोना भी मिल गया, उसकी मणि भी मिल गई। अर्जुन ये सब पीछे से देख रहे थे, अर्जुन ने कहा हे श्याम सुंदर इसका तो सारा खोया हुआ धन वापस आ गया कैसे? तब भगवान ने कहा अर्जुन जब उसे आपने सोना दिया और मणि दी तो उसने अपने बल
मैं घर बनाऊंगा, मैं राजा बनूंगा, मेरे हाथी घोड़े होंगे, मेरे दास दासियां। जब तुमने उसे सोना दिया, मणि दिया, तो उसने अपने बारे में सोचा, पर जब हमने कुछ पैसे दिए तो उसने मर मछली के बारे में सोचा। और जो दूसरों के बारे में सोचते हैं, मैं उन्हें धन धान्य से परिपूर्ण कर दिया करता हूँ। जो दूसरों के लिए सोचते हैं, उनके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती। इसलिए मेरी माँ गौरी गोपाल आश्रम में रह रही माताओं के बारे में आप जरूर सोचिएगा कि वो भी आपकी माँ है। एक माँ की घर है, एक माँ वो माँ है। आप भी उन माँ के लिए एक कमरा बनवा कर वृद्ध माँ को समर्पित कर सकते हैं। पूरा आश्रम भर चुका है वृद्ध माँ से, आप एक कमरे का सभी का विवाह होगा। Yeah, I'm gonna go to the next one.